हाय, मैं हूं परमिंदर और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं ये बातें पहले भी बोल चुकी हूं कि ये जो मैं आपसे शेयर करती रहती हूं मंत्र ऑफ सक्सेस की सीरीज़ के जरिए, वो मेरी खुद की अनुभव हैं जो मैंने अपनी लाइफ से बहुत नज़दीकी से सीखे हैं। मैं बिलीव करती हूं कि अगर आपने कोई चीज़ अपनानी है तो वो कुछ इस तरह से आप लाइफ को चेंज करने के लिए अपनाते हैं। जैसे कि एक लाइन आती है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बहुत लोग इस चीज़ को बोलते भी हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं कि इस लाइन को अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ये लाइन यूटिलाइज़ करते हैं तब आपको जाके पता चलेगा कि इसके प्रोस और कॉन्स क्या होते हैं, किस तरह से ये जो चीज़ है, ये जो लाइन बोली गई है, वेदर इट इज़ द बेस्ट पॉलिसी और नॉट, वो जस्टिफाई तभी होता है जब आप इस लाइन पर चलने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इस चीज़ पे कोशिश करना और ये जो मैं आपसे इस तरह से शेयर कर रही हूँ, इसका जो बहुत बड़ा योगदान होता है वो होता है आपके ब्रेन का। कैसे योगदान होता है आपके ब्रेन का, ये जो है आज का मेरा टॉपिक है कि फीड द राइट थिंग्स टू द ब्रेन, राइट सिचुएशंस टू द ब्रेन, राइट एक्सपीरियंसेस टू द ब्रेन, राइट इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। सो फीड इट राइट टू द ब्रेन। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है हमारे पूरे ह्यूमन सिस्टम में जो कॉन्टिन्यूसली, आप चाहें या ना चाहें, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, आपको मालूम है या नहीं है, इन्वायरमेंट जो आपकी आउटसाइड इन्वायरमेंट है उसको लेके अपडेट करता रहता है। नॉट ओनली आउटसाइड इन्वायरमेंट, आपकी जो इंटरनल बॉडी की इन्वायरमेंट है उसको भी हमेशा जो ब्रेन है वो अपडेट करता रहता है। अपडेट ही नहीं करता है, वो ये भी प्लान करते रहता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और उसके लिए आपको, आपका जो पूरा सिस्टम है उसको कैसे हमेशा तैयार रहना है। बॉडी एक बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन है, ये आप एक्सपीरियंस करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ज़रूर लोगों को सुने, वो आप जो लर्न लोग हैं वो आपको समझाएंगे कि किस तरह से एक हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सुपर मशीन अवेलेबल ऑन अर्थ। एनी हाउ, ये अलग एक टॉपिक हो जाता है पूरी तरीके से। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्यों हमें राइट चीज़ों को फीड करना पड़ता है। उसका जो सबसे बड़ा कारण वो ये है क्योंकि ब्रेन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी इमोशंस, आपके थॉट्स, आपकी सेंसेशंस, आपके मूवमेंट्स और साथ ही साथ आपकी जो बिहेवियर है वो बनता है वहाँ पे उसका सर्जन होता है, वहाँ पे वो चीज़ें आती हैं। आपके थॉट, आपकी सेंसेशंस, आपकी बॉडी की मूवमेंट्स, आपकी जो इमोशंस हैं और आपके जो बिहेवियर हैं, हर एक चीज़ ब्रेन में बनते हैं। अगर आप ब्रेन को सही फीड नहीं करते हैं, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल जैसे आपको, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आपको मालूम है कि न्यूज़पेपर में नेगेटिव न्यूज़ भी होते हैं और पॉजिटिव न्यूज़ भी होते हैं, तो अगर आप सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ को ही पढ़ते रहेंगे, आप एक उसको एक हैबिट में, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी हैबिट बन गई, आप उसको हैबिट में डाल देंगे, तो आप अपने ब्रेन को क्या फीड कर रहे हैं? ऑब्वियसली आप एक नेगेटिविटी फीड कर रहे हैं। जब नेगेटिविटी आप खुद को फीड कर रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप सक्सेस की जो रास्ता है उस पर बहुत अच्छे से चल पाएंगे? तो ये ज़रूर ट्राई करें, ये ज़रूर हमेशा स्टेप बैक करके सोचें कि आप अपने ब्रेन को क्या फीड कर रहे हैं। सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, आप कैसे लोगों के साथ में उठ बैठ रहे हैं, आप कैसे एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ को दे रहे हैं, और साथ ही साथ आप कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप देखते हैं, जिनसे आपको, जैसे लाइक टीवी में आप सीरियल्स देखते हैं, आपको खुद ही मालूम है कि आप सीरियल के साथ रोते हैं, हंसते हैं या गुनगुनाते हैं, तो ये आपको सोचना है कि आपको कैसे सीरियल्स या कौन से चैनल्स को वॉच करना है कि आप गुनगुनाएं लाइफ में। लाइफ इंजॉय करने के लिए है। लाइफ में डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना, स्ट्रेस होना, ये आपके हाथ में होता है। क्यों आपके हाथ में होता है? इसलिए, जैसे मैंने आपको समझाया, बताने की कोशिश की है कि ब्रेन जो है वो आपके बहुत सारी चीज़ों को जो है वो अपडेट करता रहता है। तो अगर आप गलत चीज़ें फीड कर रहे हैं तो गलत अपडेट देगा आपको, और जब आप गलत अपडेट लेंगे तो ऑब्वियसली आप स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का कारण बनेंगे या हाइपरटेंशन होगा, और जिसकी वजह से सारी बीमारी होती है। बीमारी दो ही जगह से होती है, जो हम खाते हैं और जो हम अपने ब्रेन को फीड करते हैं। तो ये
हमेशा स्टेप बैक करके, मैं हमेशा बोलती हूँ स्टेप बैक करके सोचते रहना है कि आप दिन भर में आपने अपने ब्रेन को क्या खिलाया है। जैसे आप अपनी शरीर को खिलाते हैं, अच्छा खिलाने से आपके शरीर अच्छा रहता है, उसी तरह से ब्रेन को आप क्या खिलाएंगे उससे आपका जो आगे आने वाला समय है वो पता चलता है कि किस तरह का व्यतीत होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो क्या करें इसके लिए, अच्छे लोगों के बीच में रहें, अच्छी सोच वाले लोगों के बीच में रहें, अच्छी चीज़ें देखें, सुने, समझें, और ज़रूर दिन भर में एक मी टाइम जरूर रखें। आप अपने आप को ज़रूर समय दें, आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपके एक्शंस, आपके रिएक्शंस, आपकी वैल्यूज़, आपके प्रिंसिपल्स कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आपको लेके जा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, इन सब चीज़ों पे, बहुत सारी ऐसी बारीकी वाली चीज़ें हैं, कभी हम और डिस्कशंस करेंगे उस पे आप हमेशा ध्यान रखें। और ये बहुत बड़ा मंत्र है सक्सेस का। एक चीज़ आप ज़रूर करें, आप पॉज करें, थिंक करें, स्विच ऑफ करें। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है आप पॉज करें, थिंक करें, स्विच ऑन करें, जब आपको लगता है कि आपकी सक्सेस की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए काम देने वाली है। सो फीड राइट टू द ब्रेन, नॉट ओनली टू योर बॉडी बट टू योर ब्रेन ऑल्सो, बिकॉज ब्रेन इज द प्लेस टू थिंक, ब्रेन इज द प्लेस फॉर सेंसेशन, फॉर इमोशंस, फॉर मूवमेंट्स एंड फॉर जनरेशन ऑफ गुड बिहेवियर और द राइट बिहेवियर और द राइट एटीट्यूड। ओके, बाय फॉर नाउ, टेक केयर। अगर आपको मेरे बातें पसंद आती हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जो मेरी इस तरह की बातें हो रही हैं आजकल, ये जो मैं सीरीज़ कर रही हूँ, आपके पास तुरंत पहुँच सके। ऑल द बेस्ट। सबसे ज़्यादा खुश मैं होंगी अगर आपने जो अपने लिए गोल सेट किए हैं, आपने जो सक्सेस के पाथ सेट किए हैं या जो सक्सेस आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो आप उसको पा जाएं। बाय फॉर नाउ। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर हैंडल पे, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियो के नीचे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।